चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ओमर और आंसर की चैलेंज की लास्ट डेट 2 सितंबर 2022 है, तो इसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ये समय लिमिटेड है और इसी समय में आपको चैलेंज करना है। ये दोनों अलग अलग हैं। आंसर की चैलेंज करना अलग है और ओमर चैलेंज करना अलग है। आंसर की किस कंडीशन में चैलेंज करनी है और ओमर किस कंडीशन में चैलेंज करनी है, इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने चैलेंज कैसे करना है। मैं एग्जांपल देके आपको, लाइव एग्जांपल देके यहां पर बताऊंगा कि आपने कैसे चैलेंज करना है ओमर को और आंसर शीट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, सेंट्रल पूल कोटा, सभी के बारे में ये हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है। इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो सारी चीजें दे रखी हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे सीट मैट्रिक्स, फीस, 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है, इसके बाद सर्विस बॉन्ड कौन से स्टेट में कितना है इसके बारे में जानकारी, कौन से स्टेट का क्या काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम आंसर की और ओमर के चैलेंज के बारे में। तो आपको सबसे पहले नीट की वेबसाइट है neet.nta.nic.in पर विजिट कर लेना है और यहाँ पर आपको आंसर की स्कैंड इमेज ओमर आंसर शीट का एक यहाँ पर लिंक मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर से भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली है, जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे आप इसको साइन इन कर लें। इसमें साइन इन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, यानी सबसे पहले डाउनलोड कंफर्मेशन पेज होगा। ये कंफर्मेशन पेज अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लें, एडमिशन के टाइम में इसकी जरूरत होती है। इसके बाद में इसमें आगे क्लिक टू व्यू ओब्लिक चैलेंज आंसर की का ऑप्शन मिलेगा और क्लिक व्यू चैलेंज ओएमआर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम चैलेंज के लिए दो चैलेंज कर सकते हैं, एक तो आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं और एक ओएमआर को चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ओमर को चैलेंज किस कंडीशन में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैं यहां पर एक बार क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज ओएमआर पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी यहां पर ओमर सीट डिस्प्ले हो जाती है। आप यहां पर चेक कर लें कि जो आपने एग्जाम हॉल में ओमर फिल की थी वही ओमर यहां पर आपकी शो हो रही है। मैंने यहां रोल नंबर जो डिटेल्स है वो हाइड कर दी है, लेकिन आप अपना चेक कर लेंगे जो आपकी रोल नंबर है, आपके आपकी जो पार्टिकुलर्स और भी है इसमें जो डिटेल फिल की है वो आप ही की है और ये ओमर आपकी है। तो इस प्रकार से ये ओमर का व्यू होगा। तो आप ये देख लें कि ये ओमर सीट आपकी है जो आपने एग्जाम हॉल में फिल किया था। अब इसके अंदर इस प्रकार से इसमें जो आपने वहां पर आंसर दिए हैं वो यहां पर शो हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट का 4 आंसर दिया है, सेकंड का 2 आंसर दिया है, थर्ड का 4 दिया है, फोर्थ का 2 दिया है। तो इस प्रकार से जो आपने आंसर दिए हैं वो यहां पर आपको शो हो रहे हैं आपकी ओमर में, यानी कि आपकी ओमर यहां पर शो हो रखी है। अभी यहां पर हम मैं आपको बताऊं कि ओमर चैलेंज क्यों किया जाता है। ओमर चैलेंज इस कंडीशन में किया जाता है कि मान लो आपकी अगर जो ओमर आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स से एनटीए ने गलत कैप्चर किया है, यानी कि एनटीए से वो रिस्पॉन्स गलत कैप्चर हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ओमर को चैलेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां बताऊं कि जैसे इस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 क्वेश्चन नंबर पर, 62 क्वेश्चन नंबर पर इस प्रकार की मिस्टेक कर दी है, यानी कि इसने दो आंसर दे दिए हैं। एक तो जो 2 ऑप्शन दिया है उसमें हाफ सर्किल कर दिया, हाफ क्या ये पूरा का पूरा हिस्सा ही हो गया है। इसमें इसको रिकॉग्नाइज ये ओमर जो स्कैनर है वो इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये इस प्रकार की मिस्टेक्स हो गई है किसी स्टूडेंट के साथ में, या जैसे कि किसी स्टूडेंट ने एक छोटी सी यहाँ टिम की टाइप की लगा दी है, मान लो इतना सा ही कर दिया है, छोटा सा कर दिया है और वो स्कैनर ने रीड कर लिया, इतना सा ही कर दिया है, मान लो स्कैनर ने रीड कर दिया है।
तो आप सोच रहे हैं कि जो मेरा आंसर है वो तो 3 है, लेकिन 2 पर थोड़ा सा स्याही लगने से ये गलत हो गया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि जो ये 62 है, इस कंडीशन में इस क्वेश्चन पर आंसर देना मुश्किल है, लेकिन जो ये कंडीशन है इसमें थोड़ा सा राउंड ही कटा है, तो इस कंडीशन में आपको ये इसका आंसर मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आप ओमार चैलेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपने रिस्पॉन्स दिए हैं, जो आपने यहाँ पर आंसर दिए हैं, एक रिस्पॉन्स शीट जारी की गई है एनटीए द्वारा, उस रिस्पॉन्स शीट में सेम है या नहीं है ये आपने चेक करना है। अगर सेम नहीं है तो फिर आपने चैलेंज करना है ओमार को। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं, इसमें सेकेंड ऑप्शन पर हम देख लेते हैं इसमें कि जो आगे इसमें दिया गया है कि हमने रिस्पॉन्स शीट देखनी है अभी, तो रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए क्लिक हेयर टू व्यू चैलेंज रिकॉर्डेड ओमार, तो ये तो हमारी ओमार होगी। इसके बाद में ये जो रिकॉर्डेड जो है एनटीए ने रिकॉर्ड किए हैं वो यहाँ पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है आपके, यानी कि ये जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है ये एनटीए ने आपकी ओमार सीट से लिए हैं। अब इसमें जो फर्स्ट का 4 है, सेकंड का 1 है, देखो फर्स्ट का 4 है और सेकंड का 1 है, तो एक बार हम ओमार की तरफ में चलते हैं, ओमार की तरफ में चलेंगे तो इसमें देखते हैं हमने फर्स्ट का किया था, हमने फर्स्ट का 4 किया था और सेकंड का 1 किया था, तो यही कैप्चर किया है एनटीए ने, फर्स्ट का 4 किया है और सेकंड का 1 किया है। तो इस प्रकार से ये, इस प्रकार से आप अपने ओमार से चेक कर लें कि जो आपने ओमार में आंसर दिया था एनटीए ने वही कैप्चर किया है। अब जैसे कि आपको चैलेंज करना है इसमें जो गलत लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ओमार में कुछ और दे दिया और यहाँ एनटीए ने रिस्पॉन्स कैप्चर कुछ और कर लिया, तो यहाँ पर फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी थोड़ी देर पहले 62 नंबर क्वेश्चन का बता रहा था कि 62 क्वेश्चन में हाफ सर्किल हो गया था, तो यहाँ पर वो यहाँ पर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये स्टार दिया गया है इसमें कि इसमें 2 आंसर हो गए, इसके एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा सा ही उस पे सही लगाया है, थोड़ा सा ही राउंड किया है, तो इसको आंसर मिलना चाहिए दूसरे, तो इसमें आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज के लिए जैसे मैंने मान लो मैं 62 को ही चैलेंज करना चाह रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि इसका जो मैंने आंसर दिया था वो 4 ही करेक्ट हो, जो पहले का जो मैंने आंसर दिया था वो करेक्ट ना हो, जैसे कि 62 का हम देखें तो 62 के अंदर मैं सोच रहा हूँ ये 4 ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो, ये जो 2 वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर 4 ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ और 4 पर मैंने टिक कर दिया है। तो ये टिक करने के बाद सेव योर क्लेम्स पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में अगर इसके सपोर्टिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है या फिर ओमार सीट लगानी है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपने ओमार लगानी है तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि ओमार को आपने कैसे कंप्यूटर में सेव करना है पीडीएफ फाइल में, और वो आप यहाँ पर चूज फाइल करके कंप्यूटर की लोकेशन में सेव की हुई ओमार को यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट लिख के उसको स्कैन करके इसमें चूज फाइल पर क्लिक करके इसमें इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर मॉडिफाई करना है जो आपने क्लेम किया है तो उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज सेव योर क्लेम्स एंड पे फीस पर क्लिक करना है और आगे आपको फीस पे करनी है। जो फीस पे करनी है वो 200 रुपीज पर क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज किया था इसलिए 200 आ रहे हैं, अगर 2 क्वेश्चन चैलेंज करूंगा तो यहाँ पर 400 रुपीज आएगा। तो इस प्रकार से पे फीस 200 पर क्लिक करके आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर देना है। अभी ये साइट में प्रॉब्लम है इसलिए इस प्रकार का ये दिखा रहा है, आप यहाँ से आगे अगर ये प्रॉपरली साइट चलने लग जाएगी तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में ये तो हो गया आपका आंसर, सॉरी ओमार चैलेंज का ऑप्शन। आपने ये देखना है कि आपका स्कोर कैसे चेक करना है, तो स्कोर चेक करने के लिए आप अपने आंसर क्यू को एक बार व्यू करें, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें एनटीए ने आपका जो क्वेश्चन का कोड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 माना है, सेकंड का 2 दिया है, थर्ड का, ये आपकी आंसर की है। इस आंसर की को आप फिर अपने इसके हिसाब से मैच कर सकते हैं। आप अपने ओमार में देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर 4 आंसर आपने दिया है लेकिन एनटीए ने इसका आंसर 1 दिया है, एनटीए ने इसका आंसर 1 दिया, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो चुका है, और रॉन्ग हो चुका है तो इसके आपके -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी प्रकार का 2 का भी आपका रॉन्ग है इसलिए इसका भी -1 डिडक्ट हो जाएगा,
थ्री का भी आपका रॉन्ग है, इसलिए इसका भी माइनस वन हो जाएगा। फोर का भी आपने जो दिया है वो मान लो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, रॉन्ग दिया तो इसका भी माइनस वन हो जाएगा। और फाइव का आपने करेक्ट दिया है तो यहाँ फोर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फाइव का एग्जाम्पल के तौर पर आपने सही आंसर दे दिया है तो फोर मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जैसे 448 हो गया। इस प्रकार से जो आपके सही आंसर है उसको आप एक बार कैलकुलेट करके उसको फोर से मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद में जो स्कोर आ रहा है उसमें आपके जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें ये माइनस मार्क्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 8 मार्क्स हो रहे हैं और माइनस में यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो यहाँ आपका 4 कैलकुलेशन आ रहा है स्कोर में। तो इस प्रकार से आप स्कोर चेक कर सकते हैं अपने पूरी आंसर की से। तो ये चेक करने के बाद में अब मैं आपको आगे बताऊं कि आपने यहाँ पर चेक कर लिया, ओमार को चैलेंज कर दिया आंसर की से, अपना ओमार रिस्पॉन्स चेक कर लिया। अब ओमार के बाद में आंसर की कैसे चैलेंज करना है, तो आंसर की चैलेंज करने के लिए आपको क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की पर क्लिक करना है। और आंसर की क्यों चैलेंज करना है, तो एनटीए ने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, आपको लग रहा है कि ये आंसर सही होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं और पर क्वेश्चन आपके 200 रुपीज पे करने होंगे। तो जैसे यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, करेक्ट आंसर दिए गए हैं, और यहाँ ऑप्शन दिया गया है चैलेंज करने के लिए। तो आपको जैसे लग रहा है कि ये जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए और एनटीए ने इसको 2 दे रखा है या कुछ और दे रखा है, तो ये गलत है, तो आप इसको टिक करके यहाँ चैलेंज कर सकते हैं। तो जितने आंसर पर आप टिक करेंगे उतने ही आंसर आप चैलेंज कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 103 का आंसर चैलेंज करना है, तो 103 पर क्लिक किया, तो इस प्रकार से मैं 2 आंसर चैलेंज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप यहाँ पर फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, जहां पर आपका एक जस्टिफिकेशन होगा कि आप एनटीए को ये बता रहे हैं कि इसका इस कारण से ये आंसर हो सकता है, तो उसके आप एक पीडीएफ बना लें और पीडीएफ फाइल अपलोड कर दें यहाँ पर। फिर उसके बाद सबमिट योर क्लेम्स पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जो आपने पेमेंट, जो आपने आंसर मतलब चैलेंज किए हैं उनका पेमेंट पर क्वेश्चन 200 के हिसाब से पेमेंट कर दें। पेमेंट का प्रोसीजर सेम है जो मैंने आपको पहले बताया है। अब आपने इस आंसर की का और ओमार का और अपने जो रिस्पॉन्स सीट है उसका आपने प्रिंट कैसे लेना है, तो आप अपने जिसका भी आपने प्रिंट लेना है उसको आप ओपन करेंगे। जैसे ओमार का प्रिंट लेना है तो ओमार को ओपन कर लिया, और उसके बाद में कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके आप कंप्यूटर की लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड रिस्पॉन्स को भी आप सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने आंसर की को भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को और ओमार को, ये दोनों डिफरेंट है। ओमार चैलेंज भी डिफरेंट है और आंसर की का चैलेंज भी डिफरेंट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2022 रखी गई है। तो आप भी सोच रहे हैं कि हमें चैलेंज करना चाहिए, तो कर देना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनको चैलेंज करना बनता है उसको चैलेंज करना चाहिए। तो जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।